हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जेआर क्लासेस में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो है यूकेपीसीएस 10+2 ग्रेजुएट लेवल के जितने भी आपके एग्जाम हैं, सब मुगो, पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड और आने वाले जैसे कि कन्या सहायक होगी, तो जितने भी समूह के एग्जाम हैं उन सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज का जो आज हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी हिंदी से लेके महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं हिंदी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने इनके जो डिटेल में वीडियो है उनको इस प्लेलिस्ट पर डाल दिया है, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको देख लेना, वहाँ से ही मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं। तो अगर आपको डिटेल में इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, टॉपिक को पढ़ना है, तो प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर से आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और PDF आपको इसकी मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो वहाँ से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये क्वेश्चन मैंने अपने वीडियोज़ में कराए हैं, जितने भी आज क्वेश्चन में कराऊंगा सारे क्वेश्चन आपको मेरे वीडियोज़ में मिल जाएंगे डिटेल में, जहाँ पर मैंने टॉपिक में डिस्क्राइब किया है। आज हम सीधे क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। तो हिंदी जो है वो भारोपी भाषा परिवार की एक भाषा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकेंड आपके सामने है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो मैंने बताया था हिंदी जो है सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है भारत में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किस भाषा से, किस अपभ्रंश से हो रखा है? तो आप अपभ्रंश है यहाँ पर लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत, जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपभ्रंश। हमने हिंदी भाषा का विकास जब पढ़ा था तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवभ्रंश, अपभ्रंश, अवहट और फिर हिंदी, तो अपभ्रंश यहाँ पर ऑप्शन में है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रज भाषा जो है वो काव्य भाषा सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ब्रज भाषा की जो भी कवि रहे हैं प्राचीन से लेकर अब मध्यकालीन तक, उन्होंने यहाँ पर ब्रज भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है। हिंदी में, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हिंदी को यहाँ पर भारत की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, ना कि राष्ट्रभाषा। बहुत से लोग इसको ऑप्शन बी कर देंगे, राष्ट्रभाषा, जो कि गलत हो जाएगा। हिंदी यहाँ पर राजभाषा है। राजभाषा से संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण वीडियो मैंने बनाई है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रजबोली नाम से जानी जाती है, तो ब्रजबोली नाम कौन सी भाषा है जो कि ब्रजबोली नाम से भी जानी जाती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पुरानी बांग्ला। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो भारतीय भाषाओं का विकास जो है आपको ब्राह्मी लिपि से देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन डी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी यहाँ पर देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जिसका आंसर आपका ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, तो हमने इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर बता रखा है कि हिंदी किस जो वर्तमान में प्रचलित है ये किस बोली पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी की जो उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, उसकी खड़ी बोली, यानी कि इसको कौरवी बोली भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम कौरवी बोली भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो ये जो छत्तीसगढ़ी बोली है ये किस भाषा की है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर राजस्थानी? तो हमने यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से बताया था, ABC, ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी, जो कि आपकी पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? तो राजभाषा से संबंधित भारतीय संविधान में 343 से 351 है, जो कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण भारत में यहाँ पर आपको मिलेगा चेन्नई में, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, ये हमने कर लिया है, पूर्वी हिंदी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान की अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डी, ठीक है।
तो सारे अनुच्छेद मैंने करा रखे हैं 343 से 351 तक। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद विश्व हिंदी सम्मेलन एक टॉपिक आपको मिलेगा, वो वीडियो आप देख लेना, वहाँ से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा क्या है यहाँ पर, तो ब्रजभाषा आपको मिलेगी पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी में हमने देखा था कि कौन कौन सी बोलियाँ हैं, तो कैसे याद किया था हमने, क ख ब ब ब, कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली और बांगरू। तो ब्रजभाषा का संबंध आपको मिलेगा पश्चिमी हिंदी से। अगला क्वेश्चन है, मगही किस भाषा की बोली है। तो मगही की अगर हम बात करें तो ये है आपकी बिहारी में। तो एम एम बी हमने याद किया था, मैथिली, मगही और बघेली। तो ये आपको यहाँ से बिहारी हिंदी का ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो यहाँ पर जो खड़ी बोली है वो सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। हमने सारे अपभ्रंश पढ़ रखे हैं, आप उनको देख लेना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1952, 1953, 1954, 1956। तो 1956 में यहाँ पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था भाषा के आधार पर, और पहला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था जिसको भाषा के आधार पर मान्यता प्राप्त की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बघेली का संबंध किस उपभाषा से है। तो बघेली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी पूर्वी हिंदी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो अभी मैंने बताया आपको आंध्र प्रदेश 1956। और अगला क्वेश्चन, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को यहाँ पर राजभाषा घोषित किया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 1925 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है। मैंने ये वीडियो में बताया है क्वेश्चन में कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष यहाँ पर बीजी खेर थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास हैं 14, 15, 18 या फिर 22। तो हमने देखा था कि 22 भाषाएं हैं जो कि हमारे 8वीं अनुसूची में हैं। अगर यहाँ पर भारतीय मूल संविधान शब्द लिखा जाता तो आपका आंसर दूसरा हो जाता, तब वहाँ पर आंसर आपका 14 हो जाता। तो ये इस चीज़ को आप ध्यान में रखना कि मूल संविधान जब भी बात करेगा तो मूल संविधान में 14 भाषाएँ थी, लेकिन अगर खाली मूल संविधान न लिख के भारतीय संविधान लिखा जाएगा तो यहाँ पर 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा संस्कृत, ऑप्शन ए। तो ये था हमारा आज का एंड, जो कि हमने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए 25 से 30 क्वेश्चन। तो वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो थैंक यू सो मच।